हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जो है वॉशिंग मशीन की सफाई करने जा रही हूँ। तो मैंने सोची कि वीडियो भी बना लेती हूँ इस पर, तो क्योंकि वॉशिंग मशीन हम यूज़ करने के बाद जो है सफाई करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कैसे सफाई करना है। तो सबसे पहले मैं जो है ये देख सकते हैं ये सब कितना गंदा हो चुका है, ये सरफ वरफ सब लगा हुआ है इसमें। तो इस सबसे पहले निकाल लेते हैं, ये प्रेस का बटन दिया हुआ है, इसे प्रेस करेंगे तो ये निकल जाएगा। एक्चुअली एक हाथ से हो नहीं रहा है, मैं इसे प्रेस करके निकाल के दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने इसे प्रेस करके निकाल लिया है, ये देख सकते हैं। ये अंदर का हिस्सा है, यहाँ भी थोड़ा बहुत सरफ लगा है, इसे भी साफ़ कर लूँगी। चलिए सबसे पहले इसे साफ़ कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे लिए एक हाथ से वीडियो बनाना बहुत ही मुश्किल है, तो देख सकते हैं कितना सरफ लगा हुआ है इसमें। ये एक मैंने ब्रश ली हुई है, फ्रेंड्स ये हिस्सा तो हो गया क्लियर, ये देख सकते हैं आप। तो ऐसे ही हमको इसे साफ कर लेंगे इसे। और अब मैं इसे जो कपड़े से, ये सूखा कपड़ा है, इसे जो पोंछ लूँगी इसको। तो फ्रेंड्स, अब ये वाला हिस्सा बाकी रहा, इसे भी साफ कर लेती हूँ कपड़े से। इसमें भी सरफ सरफ जो रहता है ना जमा हो जाता है। और अब जो है हम ये ट्रे को लगा देंगे। तो ट्रे को लगाना बहुत आसान है, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये हिस्सा और यहाँ का ये वाला हिस्सा, यहाँ का ये वाला और यहाँ का ये वाला हिस्सा। तो इसको जो है हम इस पर रखेंगे ट्रे को, जो हल्का सा प्रेस कर देंगे अंदर चले जाएगा। और मैं जो है ये ट्रे को भी लगा दूंगी। ये हो गया क्लियर, यहाँ पे थोड़ा सा पानी लगा था, इसे साफ कर लेती हूँ। अब आती है हमारी बारी, ये भी कितना गंदा है देख सकते हैं आप यहाँ पे। अब ये है, ये भी मैंने बहुत दिन से साफ़ नहीं करी हो, तो इसे कपड़ा धोने के बाद में है सूखे कपड़े से साफ़ करना ज़रूरी होता है। ये देख सकते हैं धागा फंस गया है इसके अंदर, तो इसे जो है आसानी से निकालेंगे। और इसका रबर जो है ऐसे हटा हटा के जो है कपड़ा मार लेंगे सूखा।
कभी भी सफाई करना फ्रेंड्स तो प्लग निकाल के ही करिएगा। और अब जो है ये कांच, ये तो कुछ ज़्यादा ही सफाई इसका करना पड़ता है क्योंकि ये धूल उल सब समझ में आता है, इसमें डस्ट लगा हुआ रहता है, देख सकते हैं आप डस्ट डस्ट जमा है। इसे तो मैं अक्सर पानी से ही धो देती हूँ डायरेक्ट। इसे थोड़ा सा प्रेस करेंगे नीचे की तरफ, ये खुल जाएगा और ये उल्टे की तरफ घुमाना है। देखिए कितना गंदा हुआ पड़ा है अंदर से। तो मैंने एक ले लिया टूथब्रश और थोड़ा सा इसमें डिटर्जेंट लगा लेती हूँ या साबुन। ज़रूरी होता है फ्रेंड्स ये सब की सफाई करना, अगर हम इसकी सफाई करेंगे तो ये ज़्यादा दिन तक हमारे साथ चलेंगी मशीन, और अगर हम सफाई नहीं करेंगे कोई गारंटी नहीं है, कभी भी ये ख़राब हो सकती है। तो पानी मार देती हूँ इसमें, अभी भी अच्छे से साफ नहीं हुआ है। पानी मारी तो उल्टी कचरा आ रहा है। और फ्रेंड्स ये भी गंदा हो गया है तो मैं इसे भी धो के दिखाती हूँ। फ़ोन पकड़ी हूँ और एक हाथ से जो है ये दिखा रही हूँ तो नहीं जम रहा है मुझे एक हाथ से दिखाना, तो मैं इसे साफ़ करके दिखाती हूँ। ये मैं टूथब्रश और साबुन से ही साफ़ करूँगी, एक्स्ट्रा की कोई चीज़ मैं नहीं लगा रही। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि कितना साफ हुआ है, अब इसे जो हम लगा देते हैं। अच्छा टाइटली बंद कर देना है और इसे भी साफ कर लेती हूँ मैं, ये भी थोड़ा गंदा हो गया है। फ्रेंड्स इसे मैं जो है सूखे कपड़े से पोंछ लेती हूँ। क्लियर हो गया है देख सकते हैं आप। अब जो है इसे ये दो है ना इसे अंदर करके इसे लगा लेती हूँ। ये साइड का भी पोंछ लेती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मेरे वॉशिंग मशीन का फाइनल लुक कि कितना क्लियर हुआ है। देख सकते हैं सामने को, तो फ्रेंड्स मैंने कोशिश करी हूँ आपको समझाने का सफाई कैसे करें,
आई होप कि आपको जो है समझ में आ गया होगा, और देख सकते हैं कांच कितना अच्छा क्लियर हुआ है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही अगर हम अपनी मशीन की सफाई करते रहेंगे तो हमारी मशीन जो है हमारे साथ बहुत दिन तक चलेगी, और अगर हम इसका ध्यान नहीं देंगे तो कभी भी ख़राब हो सकती है। तो हमें छोटी छोटी चीज़ों की सफाई करते ही रहना है, जैसे ये ट्रे हो गया, और कपड़ा हमेशा कपड़ा धोने के बाद ये जो कांच साफ़ करना है, डोर साफ़ करना है, और ये रबर जो है रबर को साफ़ करना है, अंदर की तरफ सूखा कपड़ा मारना है, और हफ्ते में एक बार जो है इसे खोल के इसका पानी निकालना है, साफ़ करना है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, और ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करना है, बस इतने सफाई करना है, और जो है 2-3 महीने में एक बार जो है डी स्केलर से सफाई करना है ड्रम की। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।